नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। दोस्तों, इस व्लॉग में आप लोगों को रामगढ़ रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर कराएंगे, जो कि पहले से काफ़ी बदल गया है। तो चलिए बिना देरी के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले से काफ़ी बदल चुका है ये स्टेशन, और देखने में बिल्कुल कोई मंदिर की तरह प्रतीत हो रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं पार्किंग, बहुत बड़ी एरिया में पार्किंग बनी हुई है। तो चलिए आप स्टेशन के अंदर चलते हैं और आप लोगों को अंदर से दिखलाते हैं पूरा स्टेशन का। दोस्तों, सामने से आप देख सकते हैं कि किसी भी एंगल से स्टेशन नहीं लगता, लगता है जैसे कोई मंदिर खड़ा हो। और दोस्तों, ये मंदिर रामगढ़ का फेमस रजरप्पा टेंपल मंदिर है, उसी को देखते हुए इस स्टेशन का निर्माण किया गया। दोस्तों, चलिए अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। और ये ठीक सामने में टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेकर के स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। चलिए वीडियो बने रहिए और पूरे व्लॉग को देखिए, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। और काफ़ी लोग स्टेशन में बैठे हुए हैं, लगता है ट्रेन आने वाली है। ट्रेन के इंतज़ार में काफ़ी रश लग रहा है स्टेशन में। और स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है देखने में, और बिल्कुल पहले से बदल चुका है ये स्टेशन। रामगढ़ स्टेशन के अंदर ये पीछे मेरे आप रामगढ़ स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं, और स्टेशन वाकई काफ़ी बड़े एरिया में इस्टेब्लिश किया गया है। और वीडियो के स्टार्ट में आपने स्टेशन का मॉडल देखा होगा, बिल्कुल मंदिर की तरह इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फील देता है और बहुत अच्छा टच देता है। पहले दोस्तों लोगों को यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी, उसको देखते हुए यहाँ रेल मंत्रालय ने कुछ नई ट्रेनों को भी लॉन्च किया है ताकि लोगों को दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। और रियली स्टेशन बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। पहले ये बहुत छोटा स्टेशन था और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे थी, अब ये दो प्लेटफॉर्म कर दिया गया है यहाँ पे। और चलिए वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट।
ये अनाउंसमेंट रूम, यहाँ से ट्रेनों के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। आप देख सकते हैं सामने, ये ठीक स्टेशन के पीछे आप लोकेलिटी देख सकते हैं। काफ़ी घनी आबादी है, बहुत सारे घर बने हुए हैं स्टेशन के जस्ट पीछे है ये व्यू, और बहुत ही साफ़ सुथरा ये स्टेशन, और बहुत अच्छा कर दिया गया है पहले से। और किनारे किनारे आप देख सकते हैं बैठने की पूरी सुविधा है। और सामने एक्चुअली ये सामने के जो लोग हैं यहाँ पे, लोकेलिटी जो लोकल लोकेलिटी है, वो यहाँ पे जस्ट वॉकिंग और जॉगिंग करती है। और ये सामने पूरा स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म जो आप देख सकते हैं, यहाँ जॉगिंग करने वालों से भरा रहता है। और ठीक स्टेशन के सामने से ये हमारे देश का झंडा देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये रेलवे सुरक्षा बल का यहाँ पे पोस्ट, ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वो ठीक सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2। आप लोगों को फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से स्टेशन का पूरा व्यू दिखाते हैं, चलिए। चलिए यहाँ से आप लोगों को स्टेशन का पूरा व्यू दिखाते हैं। स्टेशन का व्यू, वो सामने हमारे देश का तिरंगा और वो स्टेशन का मॉडल जो कि एक मंदिर की तरह प्रतीत हो रहा है, और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है स्टेशन को। बहुत अच्छा स्टेशन है और बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन है। हम प्लेटफॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं और ये रेल यहाँ से इन करते हुए स्टेशन के अंदर, तो आप देख सकते हैं पूरे रामगढ़ स्टेशन का व्यू। और काफ़ी बढ़िया स्टेशन ये। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।